हाँ जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब राजस्थान पर। इस चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की अपडेट वो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती हुए पीटीआई भर्ती दोनों को लेकर। बिल्कुल इनका एक बिल्कुल अभी न्यूज़ चल रही है दोनों भर्तियों को लेकर, फर्जी खेल सर्टिफिकेट को लेकर। बिल्कुल फर्जी जो अपने खेल सर्टिफिकेट है उनको लेकर बिल्कुल इनमें बहुत बड़ी जो है अपडेट आ रही है कि पीटीआई भर्ती में 300 प्लस फर्जी अभ्यर्थी वो पाए गए हैं। एक और सूची जारी होने की भी संभावना है। तो क्या है पूरी सच्चाई, बिल्कुल शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में और बात करते हैं। पहले आप भूपेन यादव जी की बात से बिल्कुल देख लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी प्रदेश में फर्जी खेल प्रमाण पत्र, फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट का नौकरी पाने के लिए बड़ा खेल चल रहा है। बिल्कुल खाली खेल प्रमाण पत्र ही फर्जी नहीं, फर्जी डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है, दिव्यांग सर्टिफिकेट तक फर्जी है वो बनाए गए हैं, ठीक है। और पीटीआई अध्यापक भर्ती सहित सभी भर्तियों में फर्जी डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच बारीकी से की जाए और फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करके योग्य अभ्यर्थियों को लिया जाए। एक भी फर्जी अभ्यर्थी का चयन नहीं होना चाहिए और एक भी योग्य अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस फर्जीवाड़े के खेल को रोकने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून लेकर आए। हालांकि कानून सरकार ले आई है लेकिन उस कानून को बिल्कुल इन्हें लागू है वो सही तरीके से करना होगा। जो भी फर्जी सर्टिफिकेट या कोई भी फर्जी चीज़ है उसको लेकर बिल्कुल स्पेशली ध्यान देने की, एक एक सर्टिफिकेट अच्छे से ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं अखबार में भी इनके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई थी कि 2 दिन पहले कराया था टूर्नामेंट, उसी दिन जारी कर दिए सर्टिफिकेट। तो बिल्कुल ये आप 2 दिन में कौन सर्टिफिकेट जारी करता था, इसको लेकर भी बिल्कुल ये 100% है कि इसमें फर्जीवाड़ा है वो हुआ है, ठीक है। पीटीआई और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती खेल प्रमाण पत्रों में फर्जीवाड़ा, दोनों भर्तियों में खेल प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं। पीटीआई भर्ती में 300 से अधिक अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र है वो फर्जी है और थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती समय से पूर्व ही भिजा दिए सर्टिफिकेट, ठीक है। बिल्कुल समय से पूर्व यानी कि 2 दिनों में वो सर्टिफिकेट तैयार होना बिल्कुल एक फर्जीवाड़े को सीधा सीधा संकेत है वो करता है, ठीक है। तो दोनों भर्तियों में कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसा ही नहीं, कट ऑफ इतनी जो थर्ड ग्रेड की जा रही है, कुछ ना कुछ बिल्कुल सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, उनकी कमी रही है और जाँच है वो बारीकी से होनी चाहिए कोई भी चीज़ हो, और उसके बाद जो योग्य अभ्यर्थी है उनका सिलेक्शन होना चाहिए। बाकी फर्जीवाड़े में जो भी लिप्त है उन्हें सरकार द्वारा उन पर कार्रवाई है वो की जानी चाहिए, ठीक है। तो यही थी आज की अपडेट, आगे कोई और अपडेट रहती है तो बिल्कुल आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। जय हिंद दोस्तों।